बहुत कुछ बिहार में भी हो रहा है, लालू परिवार को लेकर हो रहा है। बिहार में एक बार फिर तकरार है। दरअसल लालू यादव पर तेज प्रताप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। तेज प्रताप ने कहा कि लालू यादव को बंधक बनाकर रखा गया है, लालू यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है। ये बड़ा आरोप जो है ये लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने लगाया है। लालू को दिल्ली से पटना नहीं आने दिया जा रहा। कई महीने पहले जेल से बाहर आ चुके हैं लालू यादव, लेकिन उन्हें जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें दिल्ली में रखा गया है, उन्हें बिहार पटना नहीं आने दिया जा रहा। और ये तमाम आरोप किसी और ने नहीं बल्कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने लगाए हैं। बैठा कर पिताजी को जेल से आए हुए महीना भर साल भर हो गया, हमारे पिताजी को वही रोक के रखा हुआ। हमने पिताजी से बात किया कि हम हमारे साथ चलिए पटना, चलिए हम साथ साथ में रहेंगे, हम साथ में रहेंगे, आप आइए देखिए इस संगठन में। वो रहते थे तो दरबार जो है खुला रहता था, खुला दरवाजा जो है खोल करके, और वो आउट हाउस से सब लोग जानते हैं और साक्षी है सब, आउट हाउस में वो बैठा करते थे और तमाम जनता से, महान जनता से सामने मिलने जुलने का काम करते थे। ये 4-5 लोगों ने क्या किया, जनता से मिलने के लिए रस्सा बनवाया, जनता दूर रहे भाई, वाह ही वाह। हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे दिल्ली में। और इन 4-5 लोगों में एक निशाना वो अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर भी लगा रहे हैं। खैर, लालू यादव के बेटों की तकरार पर बड़ी खबर यह है कि पहली बार बगैर नाम लिए खुलकर तेजस्वी पर निशाना साधा गया है। आरजेडी में कई लोग अध्यक्ष बनने का ख्वाब देख रहे हैं। बगैर नाम लिए तेज प्रताप ने तेजस्वी पर निशाना साधा है और यह कहा कि पार्टी में कब्जे को लेकर कहीं ना कहीं संघर्ष चल रहा है। 3-4 लोग हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो पार्टी में कब्जे को लेकर फिलहाल दोनों भाइयों में टकराव जो है वो अब धीरे धीरे चरम पर आ रहा है। और पहली बार ये मौका है जब तेज प्रताप ने बगैर नाम लिए सीधे सीधे तेजस्वी पर निशाना साधा। संगठन बढ़ेगा बढ़ेगा नहीं, टूट जाएगा। पिताजी हमारे अस्वस्थ चल रहे हैं, हम कोई प्रेशर नहीं देना चाहते किसी भी तरीके का, बीमारी से जूझ रहे हैं। कुछ लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए हैं आरजेडी में, आरजेडी में कुछ लोग जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए, 4-5 लोग हैं और तमाम लोग, और सब जानता है नाम लेने का कोई फायदा है नहीं। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाए, यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी, किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा, ब्राह्मण शंख बजाएगा किसको कुर्सी दिलाएगा, ओवैसी का प्लान किसकी तरफ मुसलमान, साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश, 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।